नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। आज हम दोनों इंडेक्स की चर्चा करने वाले हैं। आज हम बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हम नहीं देखेंगे, आज हम निफ्टी में देखेंगे और बैंक निफ्टी में देखेंगे कि जो ये डाउनफॉल हुआ जो सेकंड सेशन में, ये आखिर क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, आखिर चार्ट यहाँ पर हमें क्या बता रहा था, डाटा हमें क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, हम यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी के यहाँ पर डेली बेस पर आप लोगों को वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, डेली के इंट्राडे लेवल्स बताते हैं और आप लोगों को इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के हम यहाँ पर चार्ट प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपने हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको एक चैनल पैटर्न हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ पर ये देखिए, जो कल यहाँ पर जो हाई लगा हुआ था, जैसा कि अब कल का अगर कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल देखिए बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के आसपास था। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है, जो चैनल हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, देखिए मैं इस चैनल की बात कर रहा हूँ, ये जो चैनल हमने ड्रॉ करके रखी हुई है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग चैनल। तो असेंडिंग चैनल की जल कल जो यहाँ पर जो कैंडल क्लोज हुई है वो बिल्कुल इसको टच यहाँ पर कर रही थी। सो यहाँ पर एक तो रीजन ये था मेरे यहाँ पर बेयरिश होने का कि निफ्टी यहाँ पर जो है आज डाउनफॉल कर सकती है। दूसरा, हम यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे और वहां पर भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से लॉजिक थे, कौन कौन से इफेक्ट थे जिसने बैंक निफ्टी को नीचे गिरने में हेल्प की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे कैंडल जो आज की बनी हुई है, इसका देखिए जो हाई लगा हुआ है 15,256 का है और जो लो लगा हुआ है वो 15,065 का है। तो इसके बाद देखिए अब हमारे पास कल के लिए क्या स्कोप है, हम कल क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों की भी चर्चा करेंगे। चलते हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि हमको एक यहां पर देखिए, फाइनली यहां पर एक ट्रेंड लाइन हमको यहां पर मिल रही है और ये देखिए मैंने कल शाम को आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने ये चार्ट मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था और ये और बकायदा मैंने उसमें बताया था, लेवल्स मैंने बताए हुए थे कि किस तरह से यहाँ पर निफ्टी मूव कर सकती है, किस तरह से बैंक निफ्टी मूव कर सकती है, वो तीनों दोनों मैंने लेवल आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कराए थे। अब देखिए यहाँ पर ये जो चैनल बन रहा है, चैनल जब भी देखिए अपर चैनल पर जा रहा है तो टेस्ट करके लोअर चैनल पर, लोअर चैनल पर टेस्ट करने के बाद अगेन अपर चैनल पर। अब यहाँ पर देखिए हमारी प्लानिंग क्या थी, हमारी प्लानिंग ये थी कि देखिए यहाँ पर अभी अपर चैनल पर है, मे बी ये देखिए लोअर चैनल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है बट यहाँ पर लोअर चैनल को टेस्ट करने के लिए नहीं आया। यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर देखिए जो ओपनिंग हुई थी वो ओपनिंग आज हमारी गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम जो है धीरे धीरे कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलते चले गए। अब देखिए ऊपर के लेवल पर जाकर यहाँ पर देखिए, एक तो हमको यहाँ पर 15 वन डे के चार्ट में हमको एक चैनल पैटर्न मिल रहा है और उस चैनल पैटर्न में निफ्टी जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर भी जो है एक चैनल पैटर्न मिल रहा है और इस चैनल की हम वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पर आके ऊपर की तरफ टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद कोई रेंज बनाए और जब वो रेंज को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। फाइनली देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद कंटिन्यू देखिए बैंक निफ्टी जो है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ जाने के बाद यहां पर बिल्कुल मूव खत्म हो गई। मींस यहां पर जो भी बायर एक्टिव थे, बायर यहां पर खत्म हो गए, बायर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाना यहां पर खत्म कर दिया। अब ऊपर के चैनल पर आकर हमको यहां पर एक देखिए क्या मिल रहा है, रेंज मिल रही है। अब रेंज देखिए अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता तो मैं यहां पर बाइंग के लिए नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, देखिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मैंने साफ बता दिया था कि मैं सेलिंग को प्रेफर करूंगा, मैं बाइंग को प्रेफर नहीं करूंगा आज। अब यहां पर देखिए क्योंकि देखिए अपर चैनल पर, अगर कहीं ये लोअर चैनल पर होता और वहां पर रेंज बनाता तो मैं बाइंग को प्रेफर करता, बट यहां पर देखिए अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास खड़े थे। सो यहां पर अब जब यहां पर ये जो हमारा देखिए रेंज बनी हुई है तो ये रेंज देखिए ऊपर 15,250 के आसपास की थी और नीचे की जो है 15,200 के आसपास की थी। और यहां पर फाइनली देखिए जैसे ही मैंने अपने ऑप्शन इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में भी यहां पर बताया था अपने क्लाइंट्स वगैरह को कि यहां पर जैसे ही 15,230 का लेवल ब्रेक करेगा आप लोगों को यहां पर पुट बाइंग कर लेनी है या फिर कॉल राइटिंग कर देनी है। और फाइनली इस कैंडल ने देखिए, ये जो कैंडल हमारे को दिख रही है 2:30 बजे की कैंडल, ये 15 मिनट की कैंडल है, 2:30 बजे की कैंडल ने देखिए इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के साथ देखिए हम 15,000 यहाँ पर 250 से हम जो गिरे यहाँ पर देखिए 15,050 के आसपास, मीन्स हम यहाँ पर 200 पॉइंट्स की गिरावट हमको बिल्कुल कंटिन्यू और शार्प डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बारे में देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल में पहले अपडेट कर दिया था। देखिए टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में कंटिन्यू आधे आधे एक एक घंटे पर आप लोगों के लिए पोस्ट करते रहता हूँ कि अगर आप कहीं गलत एंट्री लेने जा रहे हैं तो आप वो चार्ट जो है आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको
आपको गलत एंट्री नहीं लेने देंगे, या फिर जो है देखिए किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड को आपको एग्जीक्यूट करने में आपकी जो है हेल्प करते हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए अब कल क्या करना है हमको, अब कल के लिए देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, अब हमारे पास देखिए अब एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारा सपोर्ट है जो इस सपोर्ट से बार बार जो है बाउंस बैक हो रहा है। मीन्स देखिए एक बार हम इस सपोर्ट लेवल पर आए तो यहां से बाउंस बैक हुए, अगेन ऊपर की तरफ जाकर अगेन इस सपोर्ट पर देखिए हम बाउंस बैक हुए हैं। अब देखिए हम तीसरी बार इस सपोर्ट के आसपास हैं, मींस यहां से भी बाउंस बैक पॉसिबल है। अगर देखिए निफ्टी को बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर खड़ा है, यहां से बाउंस बैक होना चाहिए। बट अगर कल ये देखिए 15,050 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो हमारा यहां पर अगला टारगेट क्लियर कट 14,900 का टारगेट होने वाला है। देखिए पहला टारगेट जो होगा यहां पर हमारा वो 14,980 या 14,990 के आसपास रहेगा। मींस आप यहां पर देखिए 15,000 का मान के चलिए मोटा मोटा कि यहां पर हमारा अगर ये देखिए 15,050 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर 15,000 के लिए पहले टारगेट के लिए आएंगे और दूसरा टारगेट हमारा यहां पर 14,900 के आसपास होगा। तो देखिए बाइंग के लिए सबसे पहले हमको यहां पर देखिए इंतजार करना है। इंतजार क्या करना है, जैसे हमको रेंज ऊपर की तरफ मिली है वैसे कोई रेंज अगर हमको इस सपोर्ट लेवल के आसपास मिल जाती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तब हम बाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज फिलहाल देखिए यहां पर बड़ी बड़ी कैंडल यहां पर बनी हुई है, सो यहां पर कल थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करने की जरूरत है। सो देखिए मैं तो कल यहां पर आज ट्रेड नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैं मोस्टली देखिए एक बड़े प्रॉफिट के बाद में अगले दिन ट्रेड नहीं करता हूं, सो कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बट आप लोगों के लिए चार्ट और लेवल्स में प्रोवाइड करता रहूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देख लेते हैं कि आखिर क्या ऐसे हमको क्या चीज दिखाई दी कि जिससे हमने बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट किया। देखिए निफ्टी आज में ज्यादा डाउनफॉल हुआ अगर हम कंपेयर करें बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में देखिए यहां पर एक हमको जो दिख रही है 5 तारीख की कैंडल, ये 5 तारीख की कैंडल देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ गया है। यहां पर प्राइस 36,640 के आसपास गया है, बट यहां पर देखिए बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर कितना आ गया है, यहां से 1,000 पॉइंट नीचे की तरफ यहां पर क्लोज हुआ है। अगर हम देखिए हम कल की कैंडल की बात करें तो कल की कैंडल भी आपको क्लियर कट दिखाई दे रही है कि यहां पर देखिए 36,500 के आसपास गई है, बट यहां पर जो क्लोजिंग आई थी वो क्लोजिंग देखिए मींस 36,000 के आसपास, मींस यहां से 500-600 पॉइंट्स डाउन। तो ये दो दिनों की कैंडल देखिए इंडिकेट कर रही थी कि मतलब जब जब बायर प्राइस को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है तब तक यहां पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस को नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हमको 5 तारीख की कैंडल ने भी दिखाया, ये हमको जो है मंडे की कैंडल ने भी दिखाया। सो यहां पर देखिए आज हमारा बिल्कुल क्लियर कट व्यू था कि अगर यहां पर हम सेलिंग की साइड की हमको ट्रेड मिलेंगे तो हम सेलिंग साइड के ट्रेड को ज्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन बाइंग साइड को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहां पर देखिए मोस्टली हमने सेलिंग साइड के ट्रेड को जब जब मिले हमने वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, बट यहां पर स्कॉर्पिंग के लिए देखिए हमने बाइंग के भी यहां पर एग्जीक्यूट किए थे और उसमें जो है उसमें भी अच्छे प्रॉफिट बनाए। अब चलते हैं हम यहां पर देखिए 15 मिनट के चार्ट में और यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कल के लिए हमारे लिए क्या है, और यहां पर देखिए हम लॉजिक भी समझेंगे कि आखिर ये 15 मिनट के चार्ट में हमको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है और हमने आप लोगों के साथ क्या चीज शेयर की थी। अब देखिए मैं आप लोगों को यहां पर, तो अब देखिए अब हम आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में देखिए मैंने आप लोगों को जो कल इवनिंग के टाइम में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने आप लोगों को एक चार्ट पोस्ट किया था, वो चार्ट कुछ इस तरह से था। ये देखिए पहले मैं देखिए मैं आप लोगों को चीज़ें मैं पहले समझा दूंगा बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। देखिए जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक जो है यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं कर पाएंगे आप, मीन्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब देखिए कल जो मार्केट बंद हुई थी वो ये कोई डोजी कैंडल के आसपास, ये डोजी कैंडल थी हमारी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास एक सपोर्ट था। अब इसमें मैंने आप लोगों को एक बिल्कुल क्लियर कट चीज बताई थी, मैंने आपको देखी चार्ट में जाकर देखिएगा टेलीग्राम में, मैंने आपको एक एरो इस तरह से नीचे की तरफ दिखाया था। अब मैं उसके बाद बताऊंगा भी मतलब क्यों मैंने ये दिखाया था। उसके बाद एक एरो मैंने आपको इस तरह से ऊपर की तरफ दिखाया था और एक एरो मैंने अगेन आपको इस तरह से नीचे की तरफ दिखाया था। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल पैटर्न हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल पैटर्न देखिए ये एक रेंज का मतलब एक समझ लीजिए एक बड़ा रूप होता है, तो ये रेक्टेंगल पैटर्न होता है। अब यहाँ पर देखिए जो लोअर यहाँ पर जो चैनल है ये देखिए 35,610 के आसपास है और अपर चैनल जो है वो 36,500 के आसपास का था। तो मीन्स यहाँ पर देखिए हमका यहाँ पर एक पहली बार यहाँ पर टेस्ट हुआ अपर चैनल और यहाँ पर नीचे की तरफ टेस्ट हुआ लोअर का, ये जो है देखिए रेक्टेंगल पैटर्न का। अब अगेन जो है ये दूसरी बार ऊपर की तरफ कल जो है टेस्ट हो चुका था, जब ये गैप अप ओपनिंग हुई थी तो ये ऊपर की तरफ टेस्ट हो चुका था। मीन्स हमको यहाँ पर रजिस्टेंस मिल चुका था, ये सेम रजिस्टेंस अब हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करता, जो रजिस्टेंस हमारे पर प्रीवियस हाई बना हुआ था। अब हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट थे। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेकर अगेन ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस एरो का मतलब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था
कि अगर हम इस लेवल को तोड़कर, जहां पर हमने कल क्लोजिंग की थी, इस सपोर्ट को तोड़कर 35,900 के सपोर्ट को अगर हम तोड़ते हैं, तो ये हम ये लोअर वाला सपोर्ट हम टेस्ट करेंगे। ये जो सपोर्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, इस सपोर्ट पर आने के बाद हम यहां से एक बार बाउंस बैक होंगे, और बाउंस बैक होने के बाद अगेन देखिए ये जो प्रीवियस सपोर्ट हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, इस लेवल के आने के पास हम अगेन फिर यहां से गिरेंगे। ये तीन एरो का मतलब ये था, अगर आपको एरो समझ में ना आया तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, बिल्कुल क्लियर कट जैसे मैंने आपको चीजें बताई थी कल टेलीग्राम चैनल में। देखिए ये चार्ट मैंने कल इवनिंग में पोस्ट किया था, मे बी 7 से 8 बजे के नियर अबाउट मैंने पोस्ट किया था ये चार्ट, कि देखिए ये नीचे की तरफ आएगा, यहां से सपोर्ट लेगा ऊपर की तरफ जाएगा, यहां रेजिस्टेंस लेगा नीचे की तरफ आएगा। देखिए सेम चीज हुई है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है इसको सेल करने का लॉजिक ही बिल्कुल यही था कि अब देखिए यहां पर ये रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद देखिए कभी भी कोई भी, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो, अगर वो अपने रेजिस्टेंस के पास आकर या अपने सपोर्ट के आसपास आकर एक रेंज बनानी स्टार्ट करता है और फाइनली जब रेंज ब्रेक करता है तो वहां से एक शार्प मूव देखने को मिलती है, और 90% केसेस में देखिए वो स्टॉक हमारे फेवर में ही जाता है, मींस हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में, तो यहां पर हमको सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, ये हमारे पास एक इसको टॉप की तरह मान लीजिए कि फर्स्ट टॉप है, ये हमारे पास सेकंड टॉप है, ये हमारे पास थर्ड टॉप है। तो ये यहां पर आकर जो इसने थर्ड टॉप बनाया और थर्ड टॉप पे जो कैंडल बन रही है वो आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती होगी या फिर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज होगी तो आपको ये पता होगा कि इस कैंडल को देखिए ये हमारे लिए बेरिश कैंडल होती है और इस कैंडल को हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में। अब यहां पर जब शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो यहीं से हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया, बट यहां पर कंफर्मेशन के लिए इस स्विंग लो को तोड़ना जरूरी था। जब फाइनली देखिए जब छोटे टाइम फ्रेम जाएंगे अगर 2 मिनट के चार्ट में, तो यहां पर जब क्लोजिंग हुई है स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद, वहां से हमने यहां पर एंट्री बनाई है और ये भी देखिए हमको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देकर गया है। देखिए इसमें भी हमने ऑलमोस्ट 1:10 या 1:12 के आसपास हमने बुक किया है, मतलब रेशियो जो होती है रिस्क रिवार्ड रेशियो, और जो निफ्टी में आज हमने बुक किया वो 1:25 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बुक किया। मींस मतलब कह सकते हैं कि आज हमने भी और हमारे जो इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में जो भी क्लाइंट हैं उन सबको मैंने ये कॉल दी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। अगर आप भी हमारे साथ इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अलायंस ब्लू में या फिर एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां पर मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को कॉल देता हूं, 3 कॉल हो गई 4 कॉल हो गई 5 कॉल हो गई 5 6 कॉल हो गई, मतलब यहाँ पर कंटिन्यू आपको कॉल वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको कॉल मिलती है। अब देखिए तो ये लॉजिक था यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में गिरावट का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखिए रेंज में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर ट्रिपल टॉप बन रहा था, ऊपर जाकर हमको मीन्स यहाँ पर हमारे पास मल्टी कन्फर्मेशन थी यहाँ पर इस सेल को इसको सेल करने के लिए। सो हम देखिए जब भी ट्रेड करते हैं तो मल्टी कन्फर्मेशन पे करते हैं, सो मल्टी कन्फर्मेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी ट्रेड में। अब देखिए कल के लिए क्या है, कल के लिए देखिए क्या हो सकता है, कल के लिए मे भी देखिए ये यहां से नीचे की तरफ आ सकता है। यहां से नीचे आने के बाद देखिए यहां से जो नीचे अब ये जो लेवल है देखिए 35,600 का लेवल है, अगर 35,600 का लेवल हम ब्रेक नहीं करते हैं और यहाँ पर देखिए हम कोई यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट करते हैं या फिर कोई हैमर कैंडल दिखे या कोई डोजी कैंडल दिखे, मे बी हम यहाँ से कुछ यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं अपने एक इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। मैं आप लोगों को लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये जो लेवल होगा हमारे लिए ये लेवल होगा देखिए मीन्स 36,050 के आसपास, 36,050 से लेकर 36,080 का जो लेवल है वो लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मींस मतलब जब यहाँ से कल मान लीजिए कल यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं और यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुक करना है 36,600 के आसपास, 36,600 के आसपास यहाँ पर आपको वेट करना है जब तक कोई कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ना दे दे। अगर नीचे की तरफ कैंडल कोई ब्रेक डाउन नहीं देती है और यहाँ पर देखिए ये सस्टेन करने लग जाता है, रेंज बनाता है और फाइनली जब रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हो तो यहाँ पर आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है और पहला टारगेट आपका 36,050 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि देखिए 36,050 के आसपास हम यहाँ पर गैप अप हुए हैं प्रीवियस डे में और यहाँ पर देखिए आज हमने जो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग सॉरी यहाँ पर जो हमने ओपनिंग दी है आज वो भी देखिए 36,050 के आसपास दी है। तो ये लेवल जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के लिए, अगर ये लेवल हम इधर ब्रेक कर देते हैं तो हमारा अगला टारगेट ये ऊपर का लेवल होगा जो हमारा 36,500 के आसपास है। तो देखिए यहाँ पर मे बी जिस तरह से आज कैंडल देखिए अगर आप देखेंगे निफ्टी में तो निफ्टी में आप लोगों को बड़ी बड़ी कैंडलें दिख रही होंगी, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप लोग कुछ कैंडलें छोटी दिख रही है, तो मे बी यहाँ से कल बैक हो सकता है अगर इस लेवल के आसपास आता है। बट देखिए अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 35,600 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमारे पास यहां पर देखिए अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है मैं वो आपको वो चीजें बता देता हूं। तो अगला टारगेट देखिए हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट यहां पर होगा, ये होगा हमारा 35,300 या 380 या 304 के
आसपास। जब ये ट्रेंड लाइन हम ब्रेक करेंगे तो हम क्लियर कट देखिए हमारा टारगेट देखिए 33,500 के आसपास होगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल ब्रेक ना हो और हम यहाँ से बाउंस बैक हो जाएं। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर एक सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट काम करेगा, दूसरा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट काम करेगा। मे बी देखिए इस लेवल के पास आने के बाद ट्रेंड यहाँ से बैंड होगा और बैंड होकर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो कम से कम एक लाइक कर दिया करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।